सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर राइडिंग टुडे दिस इज द वेरी लेजेंडरी वेरी रेयर यामाहा RX-Z 6 स्पीड। आप लोग ने 4 स्पीड सुना रहेगा, 5 स्पीड सुना रहेगा, लेकिन इंडिया में ये गाड़ी सबसे रेयर है, RX-Z 6 स्पीड। दैट इज अ कैटलाइजर मॉडल। RX-Z 6 स्पीड और एक आता है जो कैटलाइजर नहीं है और उसका पीछे का शेप इज जस्ट लाइक द RX-Z 5 स्पीड। सो ये है कुछ गाड़ी का ओवरव्यू एंड ये बाइक बिलोंग करता है अपने डियर फ्रेंड मैक्सिल भाई को। एंड ये गाड़ी अभी भी है सेल पे, जिसको भी बाय करने का है अभी आ रहा है स्क्रीन पे मैक्सिल भाई का इंस्टाग्राम आईडी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देगा उनका इंस्टाग्राम का लिंक। सो आप लोग उधर जाके उनके साथ बात कर सकते हैं, गाड़ी कैसा ख़रीदने का है, पेपर वर्क कैसा करने का है, ऑल ओवर इंडिया गाड़ी डिलीवर हो जाएगा। सो अभी अपन बात करते हैं गाड़ी का स्पेक्स के बारे में। सो इसके अंदर एक 135cc का इंजन आता है। ये जो एग्जॉस्ट आप लोग देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है एंड ये इम्पोर्टेड एग्जॉस्ट है। एंड जस्ट लुक एट द वेल्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द एग्जॉस्ट। इसके साथ में स्टॉक एग्जॉस्ट भी आता है, अगर जिसको भी स्टॉक एग्जॉस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। एंड अगर ये चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। बाकी गाड़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो आप लोग डिज़ाइन देख ही सकते हैं, फुल्ली स्टॉक बाइक है, बस एग्जॉस्ट इसके अंदर चेंज्ड है। एंड इसके अंदर जो भी पार्ट्स आता है ये आप लोग शेयर नहीं कर सकते हैं दूसरे कोई भी गाड़ी के साथ में। फॉर एग्जांपल 4 स्पीड 5 स्पीड जो भी गाड़ी है उसका फॉर एग्जांपल अपन केसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं या फिर कोई पैनल वगैरह हेडलाइट कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पीछे ग्रैबरेल आता है, बहुत ही अच्छा पेंट वर्क दिया है, बॉडी लाइन्स इसका बहुत ही स्मूथ है एंड क्लिप ऑन्स आता है इसको, वर्किंग इसका RPM है एंड स्पीडोमीटर भी वर्किंग है इसका। इधर आप लोग देख सकते हैं फ्यूल मीटर, जो कोई भी RX-Z का एक भी गाड़ी में नहीं आता है, ना कि वो Z में आता है ना या फिर आई गेस Z में आता है 100 या फिर जो RX बाइक्स है RX-135 उसमें नहीं आता है। ऑयल का लाइट है, न्यूट्रल का लाइट है, हाई बीम का लाइट है, टर्न का भी आपको मिल जाता है इसके अंदर लाइट। बाकी ये है पास का लाइट, हाई बीम, लो बीम, टर्न, लेफ्ट राइट, हॉर्न, इंजन ऑन ऑफ एंड लाइट्स ऑन ऑफ। सो वेरी बेसिक, वेरी अप टू द मार्क बिल्ड क्वालिटी। बाकी अभी अपन विदाउट एनी टॉकिंग लेट्स राइड द बाइक, लेकिन उससे पहले जस्ट हियर दिस एग्जॉस्ट। क्रेजी साउंड मैन, क्रेजी। जस्ट हियर दिस थिंग एंड लुक एट इट गो। मैंने अभी तक मेरा जिंदगी में ऐसा कोई गाड़ी नहीं चलाया, ट्रस्ट मी गाइस। 135cc विद सच अ ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्स एंड ग्रेट राइडिंग एक्सपीरियंस। ओहो भाई, 135cc का इसके अंदर इंजन है, 18 bhp का पावर आता है इसके अंदर। 6 स्पीड का मतलब होता है 6 गियर। अभी जैसा RX-100 आता है वो 4 स्पीड होता है, RX-135 आता है वो भी 4 स्पीड होता है। स्पीड्स का मतलब होता है गियर। जो 5 स्पीड आता है उसमें 5 गियर आता है एंड ये 6 स्पीड है, जस्ट लाइक दी RD 350, द लेजेंडरी RD, उसके अंदर भी 6 गियर्स आता है एंड इसके अंदर भी 6 गियर्स आता है। एंड अगर एक शॉकिंग फैक्ट आप लोग को मैं बताऊँ, दिस बाइक इज़ क्विकर देन दी RD इन दी इनिशियल रन्स। टॉप एंड में तो RD खा लेगा कभी भी उठा पटक, लेकिन भाई इनिशियल में ये गाड़ी तोड़ देता है। क्रेजी पावर मैन, क्रेजी, व्हाट अ फ्रिकिंग मशीन मैन। ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू।
बनेली वाला खुश हो गया है। अभी अपने को इधर से यूटर्न लेने का है। सॉरी 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 ये है हमारे इधर थाने का सबसे फेमस गुरुद्वारा। ओ भाई साहब गूज बम्स आ गया लिटरली। एंड ये बाइक को 101% पुलिस पकड़ेगा बिकॉज ऑफ द साउंड। अभी मेरा 100 ही इतना क्रेजी साउंड करता है, ये तो 135 है। 135 दैट टू अ सिक्स स्पीड वेरी वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर मशीन्स इन इंडिया। ये गाड़ी के बारे में लोगों को ही नहीं पता है इतना, तो ओन करने का तो भाई बहुत ही दूर का बात है। बाकी यार इसका जो स्टांस है मतलब बहुत ही स्पोर्टी है, अनलाइक दी अदर आरएक्स वाले जितने भी बाइक्स हैं उनका थोड़ा सा रिलैक्स्ड पोजीशन है, ऐसा ऊपर आता है एंड फॉरवर्ड सेट उनका फुटपैक रहता है, ये बहुत ही स्पोर्टी है। बाकी आप लोग इधर शिफ्टर भी देख सकते हैं इसका, अपने आरएक्स में कैसे रहता है वो पीछे भी रहता है उसको, लेकिन इसको वैसा नहीं है, इसको सिर्फ सिंगल साइडेड वाला ही आता है। पीछे साइड के लिए वो प्लेसमेंट भी नहीं है कि अगर आप ऐसा कुछ आफ्टर मार्केट लगा के अगर कुछ करने का है तो वो भी ऑप्शन नहीं है। बाकी इधर पीछे रेस्ट करने के लिए आपका फुट को भी जगह दिया गया है। एंड बहुत ही प्रीमियम लगा मेरे को गाड़ी, इसका क्लच फील ब्रेक्स सब कुछ टॉक है। एंड भाई क्रेजी क्रेजी मशीन है मैन, मज़ा आ गया। मतलब ये गाड़ी को आप ऐसा कितना भी आप बताएंगे कि भाई ऐसा चलता है वैसा चलता है, नह दैट वॉन्ट वर्क, यू विल हैव टू राइड दिस थिंग। अभी अपने को थोड़ा सा गप चुप निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा फील्डिंग रहता है, वैसा तो सिग्नल है ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम होएगा नहीं, बट स्टिल या वी हैव सक्सेसफुली क्रॉस्ड द चेकिंग। ऐसा कुछ अपन इल्लीगल नहीं कर रहे, लेकिन क्या पुलिस ने एक बार पकड़ लिया तो भाई वो मगजमारी हो जाएगा, फिर वो पकड़ेंगे अपने को फाइन मार देंगे, तोड़ पानी करना पड़ेगा और सब, मगजमारी करने से अच्छा भाई गपचुप निकल जाओ चौथा गियर में डाल के। एंड ये बाइक पे आपको हॉर्न का ज़रूरत नहीं है, भाई इसका जो राइडिंग स्टांस है ना यार, what the freaking power man, second gear this thing is doing 90, what crazy man, crazy Yamaha 135cc RXZ 6 speed is a freaking mad machine man। ये वाला थ्रिल मेरे को लास्ट टाइम आरडी ने दिया था जब मैंने बहुत पहले चलाया था उसको, एक दो तीन साल पहले। गाइस आई एम सीरियसली स्टंट, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूं। सो गाइस दैट वाज द सिक्स स्पीड फॉर यू ऑल गाइस, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आ रहेगा। RXZ 6 स्पीड के ऊपर आज तक किसी ने वीडियो नहीं लेके आया YouTube पे, तो ये बात के लिए आप लोग ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसा और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। RXZ 6 स्पीड अगर मैं चैनल पे ला सकता तो समझ जाओ मैं और भी कौन सा गाड़ी लेके आ सकता है चैनल पे। सो या गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में। एंड अगर आप लोग को ये बाइक खरीदने का है तो मैक्सिल भाई को इंस्टाग्राम पे DM करो फॉर ऑल द डिटेल्स। Until then, this was Speedy Leo, this is the RXZ 6 Speed and I hope to see you soon in the next one. Goodbye, take care and peace, ride safe and always wear a helmet. और अभी तो रुको, climax अभी बाकी है। ये Z 6 Speed. 3 lakh engine off, on off. कैसी है?
सब है एक नंबर। चलो चलो थैंक यू सो मच फोटो निकालने के लिए, मेरा थंबनेल के लिए हेल्प करने के लिए। चलो थैंक यू। मेड फ्यू फ्रेंड्स गाइस हु हेल्प मी टू क्लिक द थंबनेल। व्हाट अ डे मैन, सीरियसली मजा आ गया। 25th क्रिसमस, व्हाट अ बूम। एंड बाय द वे गाइस, बिलेटेड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड अपना तो क्रिसमस का भाई गिफ्ट मैक्सिल भाई ने दे दिया, RX-Z 6 speed उनका चलाने मिल गया आज। व्हाट अ क्रेजी एक्सपीरियंस भाई साहब, सच में अभी ये मेरा दिमाग से नहीं निकलने वाला कुछ दिन के लिए। ओ भाई क्या चीज़ है ये, सेकेंड गियर 90 जा रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। अरे सही नहीं, बहुत सही है। कुछ नहीं, वो गाड़ी कैसा भुर 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 हो रहा था, अभी पूरा जा रहा है छोटू भाई। ये मेरे को 4 RX देना पड़ेगा इसके लिए। पूरा जा रहा है, 11,000 तक जा रहा है RPM। मैं देखा, मैं नोटिस नहीं किया पहले, मैं बोला साला सेकंड गियर पे 80-90 पे जा रहा है, ये RPM कितना खींच रहा है, देखो 11,000। वाह 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 वाह।